लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा देश यानी भारत बहुत सारे फ़ोन्स बनाने वाला है। इसके पीछे का मेन मकसद ये है कि उन लोगों तक फ़ोन पहुंचाना, उन लोगों तक टेक्नोलॉजी को पहुंचा के ले जाना जहां पे आज भी 2G और 3G फ़ोन्स लोग चलाते हैं। जी हाँ, इसके लिए गूगल जैसी बहुत बड़ी कंपनी से जियो ने टाइप किया है और इस टाइप का मेन मकसद यही है कि भारत के अंदर आने वाले जितने भी चाइनीज़ स्मार्टफोन्स होते हैं उन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को ब्लॉक करके खुद के अपने फ़ोन्स बनाना ताकि अफोर्डेबल प्राइस ज़्यादा महंगा भी ना हो। सबसे चीपेस्ट फ़ोन बनाएगा जियो गूगल के साथ मिल करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर, ताकि हर उस इंसान के हाथ में स्मार्टफोन 4G और 5G से लेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो और हर कोई उसको यूज़ कर सके। दोस्तों ये न्यूज़ मैं कल की बात आपसे कर रहा हूँ, दोस्तों कल परसों की न्यूज़ है ये। अब इस न्यूज़ के अंदर देखिए, अब ये न्यूज़ ये आर जियो जो है रिलायंस जियो की गूगल के साथ डील के पीछे कारण क्या है, सिर्फ फ़ोन ही बनाना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण ये है कि 5G टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 5G टेक्नोलॉजी को हुआवे और ZTE यानी ZTE, ये कुछ चाइनीज़ की दो बहुत दिग्गज कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ को मेन इनका मेन मोटो ये था कि पूरी दुनिया के अंदर 5G टेक्नोलॉजी को बना करके पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेना, पूरी दुनिया को ये टेक्नोलॉजी बांटेंगे 5G, सबके देश के अंदर इसका बिजनेस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि केबल हो गई है ना, बॉक्स हो गए या और जितने आइटम्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सिर्फ उसके आसपास के और भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चाइना को ये लगा था कि 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करके पूरी दुनिया को तो बांटेगा ही, साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स और जितने उसके एक्सेसरीज होती हैं उन सबको भी प्रोडक्शन करके एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा पाएगा। लेकिन उसके इस तरीके की सोच के ऊपर भारत ने पानी फेर दिया है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का ये मोटो रहा है जब से ये बॉर्डर इशू क्रिएट हुआ, उसके बाद से काफ़ी ये प्रोसेस तेज हो गया। और आपको पता ही है कि 59 जो चाइनीज़ ऐप्स थे उनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। हालांकि वो परमानेंट बैन नहीं है, वो एक टेम्पररी बैन था और उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि उसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से सेशन बना करके आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा उस चीज़ को भी कि उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो वहाँ वो एक सर्जिकल स्ट्राइक ही समझ लीजिए, तो वो एक तरीके से उसके पीछे का इंडियन गवर्नमेंट का मोटो भी यही है कि वी हैव टू मेक आर ओन प्रोडक्ट, हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इस टाइप का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, उन सारे टाइप्स में से सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका 5G टेक्नोलॉजी को होम ग्रोन यानी घर के अंदर अपने देश के अंदर बना करके उसके लोगों तक सेवाएं देना, सर्विसेज देना, और उसी 5G टेक्नोलॉजी को एक अफोर्डेबल फ़ोन्स के जरिए प्रोवाइड करना। क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही होगा, अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो कोई भी फ़ोन आपको 8,000 10,000 15,000 से नीचे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, उससे नीचे मिलता भी है तो लो क्वालिटी का होता है, 2G सपोर्टर होता है, 3G सपोर्टर होता है, 4G सपोर्टर होता ही नहीं है। जियो ही एक ऐसी कंपनी है जिसने 4G सपोर्ट करने वाले फ़ोन को 1500 रुपये जैसे अमाउंट में लॉन्च किया था, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो आपको कम से कम प्राइस में 4G फ़ोन दे सकती है। तो इस बार फिर से एक नई उम्मीद के साथ इसी तरीके का मोटो है कि 5G और 4G सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी को एक ऐसा स्मार्टफोन गूगल की मदद से बनाया जाए। गूगल भी इसमें सपोर्ट करने के लिए, गूगल का स्टेटमेंट ये रहा है कि वो इंडिया के साथ इंडिया के टैलेंटेड लोगों का को डेवलप करने के लिए और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके का इनोवेशन क्रिएट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहा है और रहेगा। और गूगल जियो के साथ इसी बात को
प्रमोट करने के लिए और इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए ये सौदा कर रहा है। तो बहुत अच्छा है, एक इंडिया के अंदर मज़ा आएगा हम सब लोगों को। हम लोग दूसरे के देश से मंगाए हुए फ़ोन को यूज़ करना अब धीरे धीरे कम कर देंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अब फ़ोन बनेंगे तो फिर ऑफकोर्स वो सस्ते भी होंगे, चीप भी होंगे और क्वालिटी भी होगी उसके अंदर। तो आप यूज़ करना बेसिकली चाहेंगे, हर कोई चाहेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को अब जल्दी ही आने वाली है, तो आप परेशान ना होए। नेक्स्ट ईयर तक ये ऐसा कुछ कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर तक ये चीज़ लॉन्च हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम सब का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, हर किसी का फ़ायदा है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे मुकेश अम्बानी जी हैं और ये सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। AGM थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो उस AGM के अंदर ये डिस्कशन हुआ, ये सारी चीज़ें करी गई और भी अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करी गई, जिसमें से ये मेन फोकस था हम लोगों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर चीज़ आपको मैं अपडेट करूँगा और करता रहूँगा। एंड बस आपको एक ही काम करना है कि जुड़ जाइए मुझसे, और जुड़ने के साथ साथ अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने और दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए। एंड अपना ख्याल रखिए, बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ में आई, और समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और अभी के लिए बस इतना ही, आपको मैं नेक्स्ट कुछ और बताऊंगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।